हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मीशो हॉल। सो ये पार्ट टू होगा। पार्ट वन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे जो है अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उस वाली वीडियो को भी जरूर देखना। उसमें भी मैंने जो है अफोर्डेबल प्राइस में जो है ज्वेलरी शेयर की है आप लोगों के साथ। और ये भी जो मैं ज्वेलरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ये भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। अगर आप परचेज करना चाहेंगे, इसके कोड या लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एनी वे टाइम लेस के स्टार्ट। उससे पहले गाइस, अगर मेरे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और वीडियो हेल्पफुल रहे तो इसे लाइक कर देना फ्रेंड फैमिली के साथ। गाइस, यहाँ है मेरे पास 4 पार्सल जो कि आपको वन बाय वन मैं दिखाऊंगी। मैंने ये पार्सल ओपन करके देख लिए थे क्योंकि मुझे लगा था अगर कुछ डिफेक्टिंग वगैरह हुआ तो मैं एक्सचेंज में डाल सकती हूँ, इसलिए मैंने इसे खोल के देख लिया है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि मीशो के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है कैसा नहीं। सो एनी वेज टाइम लेस कर। सबसे पहले है मेरे पास ये वाला पार्सल, चलो इसे देखते हैं इसमें क्या है। तो ये कंटेनर के बीच में है, आप देख सकते हो। मुझे इस तरह से कंटेनर भी मिला है ताकि आपकी ज्वेलरी जो है स्टोर रहे। ये बेस्ट बात है यार, मीशो ये तो थोड़ा सा अच्छा कर देता है कि कंटेनर देता है ताकि स्टोर कर सकते हो आप अपनी ज्वेलरी। तो ये है ब्यूटीफुल सा नेकपीस जो कि आप आने वाले फेस्टिवल में वियर कर सकते हैं। करवा चौथ आने वाला है, दिवाली आने वाली है, बहुत सारे फेस्टिवल एंड वेडिंग सीजन भी आने वाला है। सो आप इसे वियर कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मुझे ये मिल गई थी। स्क्रीन पे इसकी इमेज और प्राइस लगा दूंगी, आप देख सकते हो ब्यूटीफुल सी है ये ज्वेलरी। सो मुझे बहुत पसंद आई है, आप देख सकते हो। गौर से मैं दिखा देती हूँ, बीड्स के सारे काम किए गए हैं इसमें, पर्ल्स के, और आप देख सकते हो कुंदन वर्क है, पर्ल्स हैं, और पहनने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। और इसके साथ मुझे मिले हैं ये, एक मिनट, एयरिंग्स जो कि बिल्कुल छोटे छोटे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे ये एयरिंग्स हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको हैवी कुछ पहनना पसंद नहीं है तो आप ये लाइट वेट ज्वेलरी ले सकते हैं। और क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी, आप ले सकते हो। इसकी इमेज वगैरह में जो है मेंशन कर दूंगी स्क्रीन में, इधर या उधर आप जो है लिंक इनका होगा तो प्रोवाइड कर दूंगी, नहीं तो। नेक्स्ट है मेरे पास ये वाला पार्सल, चलो इसे भी देख लेते हैं। तो ये भी कंटेनर में है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है कंटेनर छोटा सा, और इसके बीच में है हमारी ज्वेलरी। तो हम इसे भी खोल के देख लेते हैं। तो यार पैकिंग बहुत अच्छी दी है मीशो ने, जो भी है यार मुझे पैकिंग इनकी पसंद आई है। ये है हमारा ब्यूटीफुल सा मल्टीवियर या फिर आप कह सकते हैं इसे सिल्वर ज्वेलरी, कुछ इस तरह की है, आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा, ओह माय गॉड। सो आप इसे आने वाले फेस्टिवल में जो है वेयर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो इसमें जो है स्टोन का वर्क बहुत अच्छा हो रखा है, आप देख सकते हो। तो इसे आप ज़रूर बाय कर लेना, ये भी अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिल गई थी तो मैंने ले ली, क्योंकि फेस्टिवल आने वाले हैं, मैंने निकालने हैं मेकअप लोग, उसके लिए मैंने जो है ये वाली ज्वेलरी ली है। तो ये है इसकी छोटी सी एयरिंग्स, आप देख सकते हो इसकी इमेज और प्राइस वगैरह मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, आप देख लेना और इसे गौर से देख लीजिएगा। है ये वाला पार्सल मेरे पास जो, तो ये भी अगेन मेरे पास है कंटेनर, छोटा सा कंटेनर है, सो ब्यूटीफुल कंटेनर। तो इसमें आप अपनी ज्वेलरी जो है अच्छे से स्टोर कर सकते हो ताकि आपकी ज्वेलरी जो है किसी कारण ख़राब ना हो। तो ये अच्छा है मीशो की पैकिंग अच्छी दे देता है, अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस सही रहा है।
आगे का पता नहीं। सो ये है वो, इसे क्या कहते हैं गाइस, मुझे खुद नहीं याद आ रहा अभी, कमरबंद, या ये है ये ब्यूटीफुल सी कमरबंद। इसे आप साड़ी या लहंगा किसी के साथ भी अटैच कर सकते हैं। आप देख सकते हो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से है। इसकी पिक्चर भी वगैरह मैं प्राइस जो है स्क्रीन पे लगा दूँगी, आप जाके ले लेना। और कोड मैं दे दूँगी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर लिंक होगा तो लिंक दे दूँगी। आप जाके हैं हमारे पास ये वाला पार्सल, चलो इसे ओपन करते हैं और इसमें देखते हैं इसमें क्या है। तो वैसे तो मैंने खोल के देख लिया था, बट अभी मुझे भी नहीं याद कि कौन से पार्सल में क्या चीज़ है। तो ओके, तो पैकिंग कुछ इस तरह से है। इस वाली पैकिंग से ना मुझे थोड़ी सी मतलब कि दुख सा हुआ, क्योंकि ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी और दूसरा पार्सल जो था वो भी इसी तरह से आया था, थोड़ा सा डैमेज था। इसलिए आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल से मैंने जो है ये एयरिंग्स मंगवाए हैं, जिसमें आपको सहारा भी मिल जाता है ताकि आने वाले फेस्टिवल में आप इसे दे सकते हो, ताकि किसी भी साड़ी के साथ आप इसे वेयर कर सकते हो। आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ये, पहने हुए तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे। आप देख सकते हो इसका भी मैं कोड वगैरह जो है मेंशन कर दूँगी स्क्रीन पे, सॉरी इमेज स्क्रीन पे और प्राइस स्क्रीन पे बता दूँगी और कोड इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स। गाइस ये थी हमारी छोटू सा कह सकते हो आप मीशो हॉल। सो पार्ट वन नहीं देखा, पार्ट वन देख लेना और इसे पार्ट टू कह देना। अगर इसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा इस वाली वीडियो का, तो मैं सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगी। आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट से भर दीजिएगा। और मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में, चिल एंड बाय। और बाय द वे, आपको इनमें से कौन सी ज्वेलरी ज़्यादा अच्छी लगी है वो भी कमेंट में बता दीजिएगा। सो बाय।